Hello guys, welcome to the Judicial Wing, the knowledge of judiciary, executive and legislation. I am Pallavi with you again with the lecture series of Indian Penal Code 1860. हमने पिछले वीडियो में थक के बारे में देखा था, उसके पनिशमेंट के बारे में देखा था. आज हम न्यू प्रोविजन की ओर जा रहे हैं, जो है ऑफ द कॉजिंग ऑफ मिसकैरेज ऑफ इंजुरीज टू अनबॉर्न चिल्ड्रन ऑफ द एक्सपोजर ऑफ इन्फेंट्स एंड ऑफ द कंसेंटमेंट ऑफ बर्थ. देखिए यहाँ कहा गया है कि कोई भी पर्सन, अगर कोई भी ऑफेंडर क्या करता है, किसी महिला के पेट में पलते हुए बच्चे का मिसकैरेज करा देता है या फिर उस प्रेगनेंसी को क्या कर देता है, टर्मिनेट कर देता है, यानी कि अबॉर्शन करा देता है, तो ये आईपीसी में एक ऑफेंस है और इसके प्रोविजन सेक्शन 312 से लेकर सेक्शन 318 तक आईपीसी में दिए हैं. तो आज हम एक एक करके यहाँ पे सेक्शन देख लेते हैं. क्या वुमेन की कंसेंट होगी तो उन्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगी, या फिर वुमेन की उसमें डेथ हो जाती है तब क्या होगा, या फिर पेरेंट्स के कुछ गलती से मिसकैरेज हो जाता है तब क्या होगा, कब पनिशमेंट होगी कब नहीं होगी. ठीक है, तो ये सारे प्रोविजन भी हम देख लेते हैं. तो चलिए चलते हैं सेक्शन 312 की तरफ. कॉजिंग अ मिसकैरेज, जो कोई भी मिसकैरेज कॉज कर रहा है किसी अनबॉर्न चाइल्ड का, तो उसे क्या पनिशमेंट है, ये यहाँ पे दिया है. हूएवर वॉलंटरी कॉजेज अ वुमेन विद द चाइल्ड टू मिसकैरी शैल, इफ सच ए मिसकैरेज बी नॉट कॉज्ड इन अ गुड फेथ फॉर द पर्पज ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ द वुमेन, बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 ईयर और विद फाइन और विद बोथ. देखिए इस सेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. पहला पोर्शन इसका, पहला पार्ट इसका बोलता है कि जब भी कोई मिसकैरेज होता है या कोई कॉज, जब भी कोई मिसकैरेज कॉज करता है, ठीक है कि नहीं, और वो गुड फेथ में नहीं होता, ठीक है कि नहीं, अगर गुड फेथ में होता, किसी वुमेन की बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, अब डॉक्टर ने कह दिया है कि एक तो वुमेन बचेगी या फिर बच्चे को बचाना पड़ेगा या माँ को, तो उस सिचुएशन में क्या है, गुड फेथ में है फॉर द सेविंग एंड फॉर द पर्पज ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ वुमेन, ठीक है कि नहीं. तो ये सिचुएशन यहाँ पे, ये सर्कमस्टेंसेस वहां पे नहीं है, जानबूझ के कॉज की जा रही है वहां पे मिसकैरेज, ठीक है, तो वहां पे पनिशमेंट है बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर द टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर और विद फाइन और विद बोथ. ठीक है, 3 साल तक उस पर्सन को, जो भी कोई एक ऑफेंस कर रहा है उसे पनिशमेंट होगी. इसी सेक्शन का सेकेंड पार्ट कहता है एंड इफ द वुमेन बी क्विक विद चाइल्ड, देखिए मिसकैरेज करते टाइम अगर वुमेन की भी डेथ हो जाती है, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन. तो वही पनिशमेंट कहा कब, तो वही पनिशमेंट कहाँ तक जाएगी, 7 ईयर तक पनिशमेंट जाएगी. देखिए इस सेक्शन में वुमेन के कंसेंट के बारे में नहीं कहा गया है, कंसेंट यहाँ पे मैटर नहीं कर रही है, क्योंकि वहां पे हो सकता है वुमेन ने भी कंसेंट दी हो, लेकिन ये फिर भी गुड फेथ में नहीं किया जा रहा. ठीक है, अ वुमेन हु कॉजेज हरसेल्फ टू मिसकैरी इज विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन. ठीक है, तो ये ऑफेंस जो है वो नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, कंपाउंडेबल विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट बिफोर विच एनी प्रोसिक्यूशन ऑफ सच ऑफेंस इज पेंडिंग एंड ट्रायबल बाय मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास. देखिए यहाँ कहा गया है कॉग्निजेबल तो है, बेलेबल भी है ये ऑफेंस, ठीक है, इसमें बेल मिल जाएगी, और कंपाउंडेबल विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, यानी कि उसमें कॉम्प्रोमाइज हो सकता है कोर्ट की परमिशन लेके. ठीक है, आगे चलते हैं सेक्शन 313 यानी कि 313 तक. कॉजिंग अ मिसकैरेज विदाउट वुमेन कंसेंट, देखिए अगर वुमेन के विदाउट कंसेंट किसी का, उसके बच्चे का मिसकैरेज करते हो, तो आपके तो 313 ही बच जाएंगे. ठीक है, हूएवर कमिट्स द ऑफेंस डिफाइंड इन लास्ट प्रिसीडिंग सेक्शन विदाउट द कंसेंट ऑफ द वुमेन, यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया गया है कि वुमेन की कंसेंट ही नहीं है, ठीक है कि नहीं, वुमेन ने कंसेंट ही दी नहीं है मिसकैरेज करने के लिए. Whether the woman is quick with child or not, child के साथ women quick हो जाती है, यानी women की भी death हो जाती है, ये फर्क नहीं पड़ेगा. Shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine.
देखिए यहाँ कहा गया है कि किसी भी महिला के विरोध में जाके महिला के परमिशन के बगैर उसके बच्चे का मिसकैरेज कराते हो तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पनिशमेंट है, विद इंप्रिजनमेंट ऑफ अंडर डिस्क्रिप्शन एक्सटेंड टू 10 ईयर, 10 साल तक पनिशमेंट होगी, फाइन भी होगा। और ये मैटर नहीं करेगा वुमेन की वहां पे डेथ हो गई भी या नहीं, वेदर नॉट वेदर वुमेन की विद द चाइल्ड और नॉट, ठीक है, क्योंकि उसकी परमिशन है ही नहीं वहां पे, ठीक है। तो ये जो ऑफेंस है ये कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है एंड नॉन कंपाउंडेबल एंड ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। तो कॉग्निजेबल है ये संज्ञेय अपराध तो है, नॉन बेलेबल है, इसमें बेल बेलेबल ऑफेंस नहीं है, मतलब बेल राइट नहीं है इसका यहाँ पे। नॉन कंपाउंडेबल मतलब कॉम्प्रोमाइज ऑफेंस का नहीं है, सीआरपीसी में जो चार्ट दिया ना कॉम्प्रोमाइज का, कहा ऑफेंस कंपाउंडेबल होते हैं तो ये कंपाउंडेबल नहीं है। और कोर्ट ऑफ सेशन यानी कि सेशन कोर्ट इसका ट्रायल चलाएगा। सेक्शन 340 डेथ कॉज्ड बाय एक्ट डन विद द इंटेंट टू कॉज मिसकैरेज, देखिए डेथ ही कॉज हो रही है यहाँ पे, एक्ट डन विद इंटेंट टू कॉज मिसकैरेज, और इंटेंशन क्या है मिसकैरेज करने का। हुएवर विद इंटेंट टू कॉज द मिसकैरेज ऑफ ए वुमेन विद चाइल्ड डज एनी एक्ट विच causes the death of such women, women की डेथ करा दे रहे। बहुत सारे अभी आप देख रहे होंगे कि अगर पता चलता है कि गर्ल चाइल्ड है वुमेन के वॉम में तो क्या होता है वहां पे, वुमेन के वॉम में अगर गर्ल चाइल्ड होगा तो वुमेन की ही डेथ करा दी जाती है। शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 10 ईयर एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, ठीक है। इसी सेक्शन का सेकंड पार्ट क्या कहता है, इफ द एक्ट विदाउट वुमेन्स कंसेंट, अगर वुमेन के कंसेंट के बगैर ये एक्ट किया गया हो तब क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है एंड इफ द एक्ट इज डन विदाउट द कंसेंट ऑफ द वुमेन शैल बी पनिश्ड आइदर विद इंप्रिजनमेंट फॉर ए लाइफ और विद द पनिशमेंट अबव मेंशन। इट इज नॉट एसेंशियल टू द ऑफेंस दैट द ऑफेंडर शुड बी नोन दैट द एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ, ठीक है। यहाँ पे कहा गया अगर विदाउट कंसेंट में किया जाता है, अगर विदाउट कंसेंट से किया जाता है वुमेन के इस एक्ट जिससे कि वुमेन की डेथ भी हो सकती है इस एक्ट में, तो वहां पे इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ तक ये पनिशमेंट जा सकती है। यानी कि पहले इसमें क्या गया था, अगर हो सकता है वुमेन की कंसेंट भी ली है वहां पे, वुमेन को तो पता ही नहीं है कि मेरे साथ क्या होने वाला है क्या नहीं, लेकिन वुमेन की वहां पे कंसेंट ली गई है मिसकैरेज करने के लिए और उसमें वुमेन की डेथ हो जाती है तो वहां पे क्या है, तो उसमें अगर वुमेन की डेथ हो जाती है तो वहां पे 10 ईयर्स तक पनिशमेंट है, लेकिन वुमेन की कंसेंट ही नहीं ली वहां पे तो लाइफ इंप्रिजनमेंट तक डेथ है, लाइफ इंप्रिजनमेंट तक वहां पे पनिशमेंट है। तो कोर्ट ऑफ सेशन में इसका ट्रायल चलेगा, वही कॉग्निजेबल है, नॉन अवेलेबल है एंड नॉन कंपाउंडेबल इसका नेचर है ऑफेंस का। आगे है सेक्शन 315 एक्ट डन विद इंटेंट टू प्रिवेंट अ चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव और टू कॉज इट टू डाई आफ्टर बर्थ। देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, कोई ऐसा एक्ट कर रहा है और ऐसा उस एक्ट करने के लिए उसका इंटेंशन कैसा है, टू प्रिवेंट अ चाइल्ड बीइंग बोर्न, उस चाइल्ड का बर्थ ही नहीं होने देना, मतलब किसी को पता चल गया हो कि वुमेन के वूम में, ठीक है, उसके गर्भ में क्या लड़की पल रही है, तो ये प्रयास कर रहा है कोई कि उसका जन्म ही ना हो, वो लड़की जो है वो बच्ची जो पृथ्वी पे आए ही ना, बर्थ ही ना हो उसका, और अलाइव और टू कॉज इट टू डाई आफ्टर बर्थ, और हो सकता है कि आफ्टर बर्थ उसका अगर, और फिर अगर उसका बर्थ कैसे कैसे हो भी गया तो अगर बर्थ के बाद भी वो ट्राई कर रहा है क्या उसकी डेथ कॉज करने का, किसकी, उस चाइल्ड की, उस बच्ची की। हुएवर बिफोर द बर्थ ऑफ एनी चाइल्ड डज एनी एक्ट विथ द इंटेंशन ऑफ देयर बाय प्रिवेंटिंग दैट चाइल्ड फ्रॉम बीइंग बोर्न अलाइव और कॉजिंग इट डाई आफ्टर इट्स बर्थ एंड डज बाय सच एक्ट प्रिवेंट दैट चाइल्ड फ्रॉम बीइंग बोर्न अलाइव और कॉजेज इट टू डाई आफ्टर इट्स बर्थ and shall if such act be not caused in good faith for the purpose of saving life of the mother be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 10 year or with fine or with both। देखिए अगर कोई ऐसा प्रयास कर रहा है कि चाइल्ड का बर्थ ही ना हो पाए, ठीक है कि नहीं, वो पृथ्वी पे आए ही ना या फिर आ ही गया, ठीक है कि नहीं, कि तब उसे मारने का प्रयास कर रहा है कोई। देखिए हमने कल्पेबल होमिसाइड जब देखा था ना तब एक एग्जांपल देखा था कि मदर के वूम से सिर्फ एक पैर निकल के आता है बच्चे का, तब उसे अगर कोई मारने की कोशिश करता है तो उसे कल्पेबल होमिसाइड में डाला जाएगा। और अगर मदर्स के वूम में ही बच्चा है, ठीक है कि नहीं, और
तब उसे मारने की कोशिश की जा रही है या फिर मारा जा रहा है तो उसे मिसकैरेज कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों भी कल्पेबल होमिसाइड भी हो सकता है, अगर बर्थ हो गया बच्चे का, और अगर नहीं हुआ तो मिसकैरेज के सेक्शन भी वहां पे अप्लाई हो सकते हैं। द ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन इज कॉग्निजेबल, नॉन अवेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल एंड ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, 316 में जाते हैं, कॉजिंग द डेथ ऑफ ए क्विक अनबॉर्न चाइल्ड बाय एक्ट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड। देखिए, अगर वो चाइल्ड जो है वो क्विक अनबॉर्न है, मतलब उसका एक पार्ट निकला होगा या फिर बर्थ हो रहा है उसका या फिर हुआ है, whoever does any act under such a circumstances that if he thereby caused death he would be guilty of culpable homicide and does such act cause death of quick unborn child shall be punished with an imprisonment of either description for a term which may extend to 10 year and shall also be liable to fine। ठीक है, court of session में इसका cognizable चलेगा, एक कोर्ट ऑफ सेशन में इसका ट्रायल चलेगा, कॉग्निजेबल है, नॉन अवेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस का नेचर है। देखिए, अब यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है, ए नोविंग दैट ही इज लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ ए प्रेग्नेंट वुमेन। ए नोविंगली एक प्रेग्नेंट वुमेन की डेथ कॉज करने की कोशिश कर रहा है और कर रहा है, डज एन एक्ट विच इफ इट कॉज द डेथ ऑफ ए वुमेन वुड अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड, द वुमेन इज इंज्योर्ड बट डज नॉट डाई, but the death of an unborn quick child with which she is pregnant is thereby cause A is guilty of offence defined in this section। उसे culpable homicide का charge उस पे लगेगा। ठीक है, तो देखिए 307 exposure and abandonment of a child under 12 year by parent or person having a care of it। देखिए, abandonment बोला गया है यानी कि किसी का परित्याग कर रहा है, यानी कि यहाँ पे किसके सेक्शन से, चाइल्ड के, तो चाइल्ड का परित्याग कर रहा है यानी उसे छोड़ दे रहा है किसी अनजान जगह पे। ठीक है, यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी हो, चाहे पेरेंट्स हो, पेरेंट्स के पास अगर चाइल्ड है तो वो चाइल्ड उन्हें नहीं चाहिए तो उन्हें उस चाइल्ड को किसी भी जगह जाके छोड़ दे रहे हैं जहाँ पे वो चाइल्ड अपने पास वापस ना आ सके, ये कोई कर रहा है। यहाँ पे पेरेंट्स और अदर पर्सन भी बोला गया है जिसके कंट्रोल में, जिसके अंडर ऑब्जर्वेशन में वो चाइल्ड है, हॉस्टल वार्डन हो या स्कूल के टीचर्स हो या फिर अंकल आंटी के पास, उनके रिलेटिव्स के पास कोई बच्चा है, उनको नहीं चाहिए, बहुत तंग कर रहा है और उन्हें वो छोड़ दे रहे हैं। ऐसे मैटर में क्या है, हुएवर बीइंग द फादर और मदर ऑफ ए चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 12 ईयर, लेकिन बच्चा 12 ईयर की कंडीशन, यहाँ पे 12 ईयर के अंडर बच्चा है और 12 ईयर का है, और हैविंग द केयर ऑफ सच अ चाइल्ड शैल एक्सपोज लीव सच अ चाइल्ड इन एनी प्लेस विच इंटेंशन Fully abandoning such a child shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and with fine or with both। ठीक है, तो यहाँ पे 7 साल तक उन पर्सन को पनिशमेंट हो सकती है, चाहे कोई भी पर्सन पेरेंट्स हो या फिर कोई भी गार्जियन हो जिसके अंडर ऑब्जर्वेशन में वो चाइल्ड है, उनकी देखभाल करना उस चाइल्ड की उनकी ड्यूटी थी, लेकिन वो क्या कर रहे, किसी अनजान जगह पे जाके उसको छोड़ दे रहे हैं उस बच्चे को। ठीक है, परित्याग कर दे रहे उस बच्चे का। This section is not intended to prevent the trial of the offender for murder or culpable homicide as the case may be if the child died in the consequences of the exposure। देखिए, यहाँ कहा गया है अगर उस बच्चे की डेथ हो जाती है या उसके साथ अगर कुछ बुरा हो जाता है तो जो भी कुछ हो जाता है, उसकी डेथ अगर हो जाती है तो उस सेक्शन को भी ये प्रिवेंट नहीं करेगा। ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड हो या फिर मर्डर हो। ठीक है, तो ये मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास इसका ट्रायल चलेगा, कॉग्निजेबल है, अवेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है। तो 318 में आते हैं, कंसेलमेंट ऑफ बर्थ बाय सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ द डेड बॉडी। देखिए, मैं इसका एक एग्जांपल बता देती हूँ आपको। हमने क्राइम पेट्रोल जो सीरियल देखते हैं हम, या फिर कोई न्यूज में कभी आता है कि कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वहां पे भ्रूण हत्या का ऑफेंस कर रहे हैं, या फिर बच्चे की किडनी निकाली जाती है, ऐसे कुछ ऑफेंस होते हैं। उसके बाद जब न्यूली बॉर्न बच्चा होता है, यानी कि अगर गर्ल का ये होगा, गर्ल होगी, ठीक है कि नहीं, कोई न्यू बॉर्न गर्ल होगी, तो गर्ल होने के बाद पेरेंट्स भी बोलते हैं हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो उस बच्चे को मार के या फिर मरा हुआ पैदा करके उसे क्या करते हैं, डिस्पोज ऑफ उस बॉडी को, उस बच्चे को डिस्पोज ऑफ करते हैं। तो जो भी कोई डिस्पोज ऑफ करने का ऑफेंस कर रहा है तो उसे क्या पनिशमेंट होगी, आप देखते हो कि मूवीज में वगैरह की बहुत सारे हॉस्पिटल से बच्चे किसी थैली में लेके जाते हैं, बहुत दूर जंगल में लेके उन्हें जलाया जाता है, फेंक दिया जाता है। हुएयर बाय सीक्रेटली ब्यूरिंग
or otherwise disposing of the dead body of a child, whether such a child died before or after the during the birth, intentionally conceal or endeavor to conceal the birth of the child shall be punished with imprisonment or either description for a term which may extend to 2 years or with fine or both. देखिए यहाँ पे जो कोई भी ऑफेंस कर रहा है, बच्चे को मार रहा है वगैरह वगैरह, तो उनको तो अलग पनिशमेंट है, लेकिन वो कंसल करने की कोशिश कर रहा है जो कोई भी, मतलब सिर्फ कोई हॉस्पिटल का वार्डन होगा या फिर हॉस्पिटल का कर्मचारी होगा, वो लेके जा रहा है, उसको डिस्पोज ऑफ कर रहा है उस बॉडी को, तो उसे 2 साल तक पनिशमेंट होगी. ठीक है, बाकी जो कोई मिसकैरेज करा रहा है या फिर एनडीपीएस एक्ट में डॉक्टर्स के लिए बहुत सारे इलीगल जो प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए जो ऑफेंसेस के पनिशमेंट दिए है, उन्हें तो वहां से पनिशमेंट हो जाएगी, लेकिन कोई भी प्रॉपर्टी सिर्फ कंसलमेंट कर रहा है, डिस्पोज ऑफ कर रहा है उस डेड बॉडी को, तो उसके लिए स्पेशल पनिशमेंट यहाँ पे दी गई है. ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है, यानी कि एक संज्ञेय अपराध है, बेलेबल है, बेल हो जाती है इसमें, नॉन कंपाउंडेबल एंड ट्रायबल बाय मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, यानी कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का ट्रायल चलाएगा. फ्रेंड्स, हमने सेक्शन 312 से 318 तक कवर कर लिया है, इतने भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस नहीं है ये, लेकिन हमने कवर कर लिए है ये. आगे के सेक्शंस जो है हार्ट और ग्रीवियस सेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना, कमेंट में भी आप बता देना कि आपको मेरी वीडियोज कैसे लगे.